नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बेहर विधानसभा से भाजपा से गुड्डे मरकाम हो सकते हैं प्रबल दावेदार। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी तारतम्य में हमारी पंचायती राज न्यूज की टीम जनता का मिजाज जानने बेहर विधानसभा पहुंची, जहां भाजपा के प्रबल दावेदार गुड्डा मरकाम से बात की गई। गुड्डा मरकाम ने बताया कि इस बार बेहर की जनता भाजपा से विधायक बनाना चाहती है। गुड्डा मरकाम ने कहा कि भाजपा के राज्य में क्षेत्र में बेहतर विकास कार्य हुए हैं। अगर बेहर विधानसभा की जनता भाजपा का विधायक चुनकर लाती है तो बेहर क्षेत्र का और भी बेहतर विकास होगा। गुड्डा मरकाम ने कहा कि यदि भाजपा मुझे टिकट देती है तो मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। इसी प्रकार हमने क्षेत्र की जनता से भी उनका मिजाज जानना चाहा, तो क्षेत्र की जनता का भी कहना है कि इस बार बेहर से गुड्डा मरकाम को विधायक विधानसभा की टिकट देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और गुड्डा मरकाम यदि विधायक बनते हैं तो वो और भी बेहतर कार्य करेंगे। सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, जिला बालाघाट, विधानसभा बैहर। जी, इसको देखकर के क्या रणनीति रहेगी इस बार बैहर विधानसभा चुनाव? देखिए, 2003 से पहले का बैहर और 2003 के बाद का बैहर यदि हम देखेंगे तो काफ़ी बदलाव बैहर क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है और इस नाते ये कहा जा सकता है कि बैहर क्षेत्र में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। इस बार तो बैहर क्षेत्र की जनता ने मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनना चाहिए, क्योंकि सरकार में ना रहने का जो 10 साल से हम दंश भोग रहे हैं तो वो जनता के दिलो दिमाग में है और इस बार बैहर की जनता परिवर्तन करने के पूरे मूड में है। बैहर जिला बने ये तो हर बैहरवासी की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि भौगोलिक दूरी को यदि हम ध्यान में रखें, यहाँ के आदिवासी लोगों को ध्यान में रखें जो सामान्य तौर पे जिला मुख्यालय की दूरी होने के कारण बहुत सारी अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जा सकता, तो चाहता तो हर व्यक्ति है कि बैहर जिला बने, जब बैहर क्षेत्र से ही विधायक बना जाए। और गुड्डा मरकाम जी का अच्छा है उनका, और मतलब 15 वार्ड में अच्छा काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी वर्तमान जो विधायक है यहाँ से मुख्यालय से कितनी दूरी पर उनका निवास है और किस तरह की परेशानी होती है काम होता है तो सिर्फ वो उनको यहाँ से जाओ 25 किलोमीटर दूर बिरसा ब्लॉक जाओ, वहाँ जाओ, दरवाजे में खड़े रहो, 2-2 घंटा लेना पड़ता है। कभी भोपाल गए हैं, कभी इधर गए हैं, कभी उधर गए हैं, सर बोल रहे हैं, और यहाँ के लोगों को दिक्कत पहुँच जाती है। उनके कार्य को लेकर कितने संतुष्ट हैं? उनके कार्य लेकर मैं तो 0% में हूँ। किसी भी तरह का काम नहीं? नहीं, मतलब वो सुनते, मतलब ऐसा कुछ, मतलब विधायक इस टाइप का नहीं है जो हमारे बैहर मुकद विकास का कुछ करें। वो उसको सोच ऐसी है कि मतलब हमको बैहर से वोट से मतलब नहीं, ये सोच है उनकी। मैं अल कादिर अली, विधानसभा क्षेत्र बैहर, मैं यहाँ का ऑटो यूनियन अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ से तो हम इस बार पूरे यानी क्षेत्र के लोग हैं, जो बैहर विधानसभा क्षेत्र के ज़्यादातर बहुत से लोग इस बार सुरेंद्र गुड्डा मरकाम जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र के मामले में उनसे अच्छा बेस्ट बैहर नगर परिषद में भी इनने पिछले पंचवर्षीय में अच्छा कार्य किए हैं, और आने वाले समय भी हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि विधानसभा क्षेत्र बैहर में अच्छे से अच्छा काम इन्हीं के द्वारा ही